नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से गुहार लगाने। मीनापुर प्रखंड अंतर्गत रामनगर गांव के निवासी अमित कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि मीनापुर अंचल के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर संबंधित कई पदाधिकारियों को आवेदन दिया है। इसी कड़ी में हमने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी आवेदन दिया है। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए आरोप लगाते हुए अमित कुमार ने कहा कि मीनापुर अंचल स्थित रामनगर गांव में भारत सरकार की जमीन है, जिसे रामनगर मठ के महंत राम नरेश दास के साठगांठ से कुछ भू माफिया अतिक्रमण कर मौखिक रूप से बेचकर लाखों रुपए का उगाही कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र का रामनगर गांव के मुख्य सड़क पर, जो मेन रोड है मीनापुर आने के लिए, उस मुख्य सड़क के नज़दीक पैक्स गोदाम के समीप रोड के दोनों साइड से भारत सरकार की भूमि है। और हमारे यहाँ के एक महंत है, उनका नाम है आदरणीय महामंडलेश्वर श्री राम नरेश दास जी महाराज। वे कुछ भू माफियाओं से मिलकर उस भारत सरकार की भूमि को मौखिक रूप से लाखों लाखों में बेच करके अवैध रुपया का उगाही कर रहे हैं। पैगंबरपुर पंचायत का मामला है ये, और वे उस भारत सरकार की जमीन को जबरदस्ती मौखिक रूप से बेच देते हैं। कहाँ आता है? मीनापुर अंचल के अंतर्गत आता रहता है, सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? इसको लेकर के हमने पूर्व में SSP साहब, DM साहब, SDO साहब सभी लोगों को हमने ये लिखित में शिकायत किया था। अंचलाधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय लोगों को भी शिकायत किया था। आज किनको आवेदन दिए? आज हमने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जी को हमने शिकायत दिया है लिखित में। हाँ। और हमने न्याय का गुहार लगाया गया है उनसे कि जो भारत सरकार की क्या समस्या हो रही है। हमारी समस्या ये है कि 574 खेसरा भारत सरकार की भूमि है और 573 खेसरा संख्या हमारे दादाजी के नाम से अंकित है, जो 10 कट्ठा जमीन है हमारे पास। उसके आगे भारत सरकार की भूमि है, जो मेरी भूमि है, उसमें अपना एक छोटा सा डेरा बसेरा मकान बनाए हुए हैं। वहाँ के कुछ दबंग लोग हमको अपने मकान में रहने नहीं देते और आगे से हमारे मतलब कि रास्ता को बैंड कर दिए हुए हैं, तार बाँस बल्ला लगा लगा के घेर दिए हुए हैं। और वहाँ पे एक तरफ से अवैध घर भी बनवा दिए हैं, पक्का मकान, और एक तरफ से बनाने के लिए जमीन वहाँ जहाँ हड़पा जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरी जमीन कभी हड़प लिया गया है कि नहीं? मेरी जमीन सुरक्षित है, लेकिन हमारे आगे जो भारत सरकार की भूमि है उसको हड़प करके एक साइड से घर बना दिया गया है। दो मकान बन चुका है और फिर तीसरा मकान बनाने के लिए वहाँ पे ईटा बालू गिट्टी सब का मतलब कि वहाँ रखा जा रहा है और प्रयास में है। क्या नाम होगा आपका? अमित कुमार, रामनगर।